नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत के दिन इन दिनों बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि संजय राउत पर जिस तरह से ईडी की गाज गिरी है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत की जिस तरह से बीते रविवार को गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और साथ ही उद्धव ठाकरे के गुट में बवाल मच चुका है। क्योंकि जिस तरह से संजय राउत उद्धव ठाकरे के इतने करीबी थे और उन पर जिस तरह से अब ईडी की गाज गिरी है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। चलिए आज उस बीच आपको संजय राउत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर पात्रा चौल मामले में ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत पर शिकंजा कसा है। संजय राउत कह रहे हैं कि वो नहीं झुकेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। संजय राउत का जन्म 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। वो सोमवंशी क्षत्रिय पठारे समुदाय से आते हैं। मुंबई के कॉलेज से बीकॉम करने वाले संजय राउत ने जर्नलिज्म किया है और साथ ही उन्होंने एक मराठी अखबार में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम भी किया। उनके अंडरवर्ल्ड से भी अच्छे कनेक्शंस हैं। क्राइम रिपोर्टर के तौर पर एक अच्छी उन्हें यहां पर पहचान भी मिली, लेकिन जर्नलिज्म के दौरान ही उनकी मुलाकात राज ठाकरे से हुई और ये मुलाकात एक अच्छी दोस्ती में बदल गई, जिसके बाद उस समय राज ठाकरे शिवसेना के एक बड़े नेता थे। संजय राउत क्राइम रिपोर्टर के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे और इसी बीच शिवसेना के मराठी मुखपत्र सामना में वैकेंसी आई। वैकेंसी भी थी और कार्यकारी संपादक भी। बाला साहेब ने इस पद के लिए संजय राउत का चयन किया। इसके बाद संजय राउत सामना का कार्यभार देखने लगे। वहीं काफी तीखी संपादकीय भी लिखा करते थे। बाला साहेब को उनकी राइटिंग, उनके ब्लॉग्स बहुत ज्यादा पसंद आते थे। इसके बाद सामना का हिंदी एडिशन भी शुरू किया। संजय राउत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी और जल्द ही बाला साहेब के बीच संजय राउत के बीच बहुत ही ज्यादा अच्छा रिश्ता बन गया था। उन्हें बाला साहेब का विचार ही माना जाता था। आपको बता दें कि ठाकरे परिवार में जब फूट पड़ी तो संजय राउत ने ठाकरे का साथ छोड़ दिया और उद्धव ठाकरे का साथ पकड़ा। मुखपत्र सामना में भी वो राज ठाकरे पर हमला बोला करते थे। साल 2004 में शिवसेना ने पहली बार उन्हें अपना राज्यसभा भेजा। इसके बाद वो उच्च सदन में शिवसेना की आवाज के रूप में जाने जाते थे। शिवसेना और बीजेपी को अलग करके महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में भी संजय राउत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद वो बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री पद की शर्त रखने और फिर गठबंधन टूटने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज के वक्त में शिवसेना में इतने मजबूत दावेदारी रखने वाले संजय राउत की जिंदगी किस तरह से शुरू हुई और एक मामूली क्राइम रिपोर्टर से आज शिवसेना के सांसद बने संजय राउत पर जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब संजय राउत पर और कौन सा बड़ा हमला यहाँ पर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।